सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा कि वेजिटा कैसे फ्रीजा और मोरो से लड़ता है और उन्हें लड़ाई में हराता भी है, मगर तभी गैस वेजिटा पर पीछे से वार कर देता है और इसके बाद वो सभी वेजिटा को बंदी बना लेते हैं। मगर वेजिटा के मुँह से जब वो कैकरोट नाम सुनते हैं तब वो सभी वेजिटा को छोड़ देते हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है, क्या अब गोकू वापस आएगा और विगोरस अब क्या करेगा। चलिए देखते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और अब वो अर्थ पर आ चुका है। बुलमा कहती है, वेजिटा तुमने हमें बचाकर आज फिर साबित किया है कि तुम ही हो यहाँ के असली गार्डियन। वेजिटा कहता है, नहीं बुलमा, तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट मत दो, क्योंकि मेरी वजह से कैकरोट यहाँ पर नहीं रहा। मगर मैं तुम लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। गोहान पूछता है, वो क्या बात है वेजिटा। वेजिटा बोलता है, बहुत ही जल्द कैकरोट वापस आने वाला है। अब ये सुनकर बुलमा, गोहान और पिकोलो खुश हो जाते हैं। बुलमा कहती है, क्या ये सच है वेजिटा। वेजिटा स्माइल करके कहता है, हाँ मैं खुद उससे मिलकर आया हूँ। गोहान ये सुनकर कहता है, क्या तुम सच में डैड से मिले थे, कैसे हैं वो। वेजिटा कहता है, वो कैकरोट है, तुम चिंता मत करो, वो एकदम ठीक है। पिगोलो कहता है, क्या कमाल की खबर दी है तुमने वेजिटा, ये सुनकर तो हमारे शरीर में फिर से जान में जान आ गई। वेजिटा कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं काम खत्म करके आता हूँ। बुलमा पूछती है, तुम अब कहाँ जा रहे हो। वेजिटा कहता है एक काम जिसे पूरा करना बेहद जरूरी है। इसके बाद सीन जाता है विगोरस पर और वो अपने गार्ड से कहता है, वो लड़का वापस आने वाला है और ये सब सिर्फ उस नथिंग की वजह से हुआ है। क्रिएचर कहता है, मेरे लिए क्या ऑर्डर है, आप बस मुझे बताइए। विगोरस कहता है, तुम जाकर उस नथिंग को खत्म कर दो। क्रिएचर कहता है, ठीक है, मैं अभी उसे मार कर आता हूँ। और अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, कहो वेजिटा, यहाँ पर कैसे आना हुआ, क्या तुम अपनी पोजीशन को वापस लेने आए हो। वेजिटा कहता है, नहीं मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ। विज कहता है, लॉर्ड वेजिटा, नहीं मेरा मतलब कि वेजिटा तुम यहाँ पर किस काम से आए हो। वेजिटा कहता है, विज मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर यानी कि ग्रैंड मिनिस्टर को एक बात बताने आया हूँ कि कैकरोट अब वापस आ रहा है। विश ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या सच में गोकू वापस आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है, पूरी दुनिया जानती है कि वेजिटा कभी झूठ नहीं बोलता है, और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे आपसे एक बात जाननी है कि जब कैकरोट वापस आएगा और वो जब आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेगा कि क्यों आपने मुझे निकाला, तो क्या जवाब दोगे आप। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उसका जवाब मैं देना जानता हूँ, मगर पहले उसे आने तो दो। वेजिटा कहता है, ठीक है अभी मैं चलता हूँ। अब सीन जाता है गोकू पर और वो उस गोट से कहता है, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। गोट कहता है, याद रखना हमारे बीच एक डील हुई है। गोकू कहता है, हाँ मुझे याद है, क्या अब मैं जा सकता हूँ। गोट कहता है, क्या तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए। गोकू कहता है, मैं आप सभी की ताकत जानता हूँ, मगर मैं खुद पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। गोट कहता है, तुम हमारी ताकत को जान गए हो, ये बड़ी खुशी की बात है, चलो जाओ, मगर जब भी हम बुलाएं तुम्हें आना होगा। गोकू कहता है, ठीक है अब मैं समझ गया हूँ, तो अब मुझे जाने दीजिए। गोट कहता है, जाओ ना, रोका किसने है तुम्हें। इसके बाद सीन जाता है नथिंग पर और वो बोलता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी वहां पर विगोरस का गार्ड पहुंच जाता है और कहता है, अजीब तो लगेगा ही क्योंकि तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है। नथिंग बोलता है,
तुम यहाँ पर कैसे? तभी वो क्रिएचर नथिंग पर अपनी एनर्जी यूज कर देता है, जिससे नथिंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। क्रिएचर कहता है, तुम्हारी मदद से विगोरस का दुश्मन वापिस आ रहा है और अब उन्होंने मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए यहाँ पर भेजा है। नथिंग दर्द में कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्रिएचर कहता है, मेरे लिए मेरे बॉस का ऑर्डर ही सबसे ऊपर है, इसलिए तुम इसे मेरी भले ही गलती मानो, मगर मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। अब नथिंग को और भी दर्द होने लगता है कि तभी मॉडरेटर क्रिएचर के पीछे आ जाता है और वो उस क्रिएचर पर अपनी एनर्जी से हमला कर देता है, जिससे क्रिएचर को काफी दर्द होता है। वो क्रिएचर बोलता है, तो तुम दोनों आपस में मिले हुए हो, अब मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद क्रिएचर एक जोरदार धमाका कर देता है, मगर नथिंग और मॉडरेटर अपनी पावर से उस धमाके को जीरो कर देते हैं। फिर इसके बाद सीन जाता है फू पर और वो कहता है, क्या गोकू वापस आ रहा है? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? डाबूरा कहता है, हाँ, और उसके आने का स्वागत मैं कर चुका हूँ, मगर फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। फू कहता है, मैं तो गोकू से इस बार नहीं लड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब ना तो मेरे पास वो पहले जैसी ताकत है और ना ही पहले जैसी हिम्मत। डाबूरा कहता है, अरे लड़ूंगा तो मैं भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो गोकू हमें एक हमले में मार देगा। तभी फ्रीजा कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? डाबूरा कहता है, हम में से किसी एक को गोकू से अकेले में बात करनी होगी और उसे समझाना होगा कि वो हमें फिर से खत्म ना करे। मोरो कहता है, पर उसके सामने जाएगा कौन, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि गोकू हमारी सुनेगा या नहीं। डाबूरा कहता है, किसी को तो जाना होगा, पर मैं चाहता हूँ कि फू जाकर गोकू से बात करे। फू कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं उससे क्यों बात करने जाऊं? तुम क्यों नहीं चले जाते? तभी डाबूरा कहता है, मैं चला गया और गोकू ने मुझे खत्म कर दिया, तो तुम लोगों को वापस से जिंदा कौन करेगा? मोरो बोलता है, बात में दम तो है फू, तुम्हें ही जाना चाहिए। तभी फू कहता है, तुम चले जाओ, तुम लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? तभी फ्रीजा बोलता है, क्योंकि तुम हमारे सीनियर हो, तुम हमारे लीडर भी रह चुके हो, तो जाना तो तुम्हें ही होगा। फू कहता है, ये सब बकवास है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। डाबूरा कहता है, अगर कोई नहीं गया तो हम सभी मरेंगे। तभी गैस कहता है, गोकू से बात करने के लिए मैं जाऊंगा। डाबूरा बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो गैस? मगर तुम तो अभी छोटे हो। गैस कहता है, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ और मैं उस गोकू से डरता भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। फू कहता है, वाह छोटे उस्ताद, मान गए तुम्हारी हिम्मत को। मगर गैस इस पर कहता है, पर मेरी एक सलाह यही है कि अब हम सभी को सुधर जाना चाहिए, हमें जब भी मौका मिलता है हम उसका फायदा उठाते हैं और फिर हमें हार ही मिलती है, इससे तो अच्छा यही होगा कि हमें अब उनसे दोस्ती ही कर लेनी चाहिए और अब हमें बुरे काम छोड़ देने चाहिए। डाबूरा बोलता है, तुम जाना नहीं चाहते हो तो मत जाओ, मगर हमें हमारा काम मत सिखाओ गैस। तभी मोरो कहता है, इसमें गलत क्या है? हम कब तक उनसे दुश्मनी रखेंगे? ये लड़ाई कब तक चलेगी? तभी डाबूरा कहता है, जब तक मेरा राज इस मल्टीवर्स तक नहीं फैल जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और अब वो अर्थ पर आ चुका है। गोकू कहता है, बहुत दिन बाद अर्थ लौटा हूँ, वाह क्या कमाल का दिन है, अब मुझे किससे मिलना चाहिए? तभी अचानक से वो गॉड ऊपर से गोकू को आवाज देता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। गोकू कहता है, आप यहाँ पर भी? वो गॉड बोलता है, तुम्हारा जो दुश्मन है वो अपने डायमेंशन से तुम्हारे डायमेंशन में आना चाहता है और अगर वो एक कदम भी तुम्हारे डायमेंशन में रखेगा तो तुम्हारा डायमेंशन तबाह हो जाएगा। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गोट कहता है, क्योंकि वो सबकी मौत है और जहाँ पर वो रहता है
वो मौत की दुनिया है, तो तुम्हें अपनी दुनिया बचानी है तो उसे वहीं पर रोक दो। गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, इस बार मैं उसके कदम ही उखाड़ दूंगा। मैंने सोचा था कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन उसने मुझे ही मार दिया था। गोट कहता है, अपने काम में सफल होना, बाय बाय। अब सीन जाता है विगोरस पर और वो कहता है, अब वक्त आ गया है उसे उसी के वर्ल्ड में जाकर मारने का, और उसके साथ साथ उसकी दुनिया वाले भी मारे जाएंगे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अब सीन जाता है क्रिएचर पर और वो कहता है, तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर दिया है, अब मैं तुम दोनों का खेल खत्म ही कर देता हूँ। मॉडरेटर कहता है, खेल तो अब तुम्हारा खत्म होगा और फिर तुम्हारे उस बॉस विगोरस का जिसने मेरी दुनिया खत्म की थी। नथिंग कहता है, पहले मुझे उससे डर लगता था, मगर अब कोई डर नहीं है। अब तो मैं खुद उसे मारना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। सीन की शुरुआत होती है विगोरस से और वो अर्थ पे जाने की तैयारी करता है और वो कहता है, अब टाइम आ गया है मेरा वहां पर जाने का। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू को और वो अपनी ड्रिप फॉर्म में विगोरस के सामने आ जाता है। गोकू कहता है, अभी तुम्हारे जाने का टाइम नहीं आया है मिस्टर विगोरस, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ आ गया हूँ। विगोरस अब स्माइल करता है और कहता है, बड़ी ही डेयरिंग है तुम्हारे अंदर, अपने लोगों को बचाने के लिए तुम खुद यहाँ पर आ गए। गोकू बोलता है, तुम्हें पता है तुम हमेशा से गलत थे, मैं तुम्हारी मदद करने आया हुआ था, मगर तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया, और अब जो मैं वापस आ गया हूँ तो तुम मुझे वापस से खत्म करने आ रहे थे। विगोरस कहता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, मैं तुम्हें मारूंगा, जब भी तुम वापस आओगे मैं तुम्हें खत्म करूंगा। विगोरस गोकू पर अपनी एनर्जी से हमला करता है, मगर गोकू उस एनर्जी को एक ही फूंक में गायब कर देता है और बोलता है, क्यों क्या हुआ, तुम आज अपनी पावर नहीं दिखा रहे हो। विगोरस हंस के कहता है, लगता है कि तुम इस बार और भी ज्यादा पावरफुल होकर आए हो, मगर क्या तुम्हारी ये पावर मेरे लिए काफी होगी। गोकू भी अब हंसकर कहता है, चाहता तो मैं तुम्हें शुरुआत में ही मार सकता था, मगर मेरी एक बुरी आदत है कि मैं लोगों की चिंता बहुत करता हूँ, और वो मैंने तुम्हारे साथ भी किया। विगोरस कहता है, और मैं जानता हूँ कि ये बुरी आदत तुम्हारे अंदर अभी भी है, इसलिए तो तुम मुझे मार नहीं रहे हो। गोकू कहता है, हाँ मैं तुम्हें बोलने आया हूँ कि तुम अपनी इस सड़ी हुई दुनिया में ही रहो और यहाँ से बाहर आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। विगोरस कहता है, नहीं बच्चे, तुम्हारी मौत ही अब मेरा मकसद है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा पावरफुल शख्स इस दुनिया में रहे। गोकू कहता है, मतलब तुम पक्का लड़ना चाहते हो। विगोरस अब अपनी और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, जिसे गोकू अपनी पावर से आराम से रोक लेता है। विगोरस बोलता है, तुम तो मेरे हर हमले को काट पा रहे हो, तुम ऐसा क्या हासिल करके आ गए। गोकू कहता है, मैंने अब अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल पा लिया है और कुछ नहीं। हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहता तो मैं शुरुआत में ही तुम्हें मार देता, मगर मेरे अंदर जो अच्छाई का कीड़ा है वो मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है, और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। विगोरस अब स्माइल करता है और कहता है, तो ठीक है मारो मुझे, मैं भी तुम्हारी पावर्स को देखना चाहता हूँ। गोकू कहता है, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि तुम यहीं पर रहो और अपनी जिंदगी जियो। विगोरस कहता है, ना मुन्ना ना, मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। गोकू अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अब गोकू अपनी बॉडी से खतरनाक एनर्जी को क्रिएट करता है, जिसे देखकर विगोरस काफी खुश होता है। गोकू कहता है, क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लग रहा है। विगोरस कहता है, वार करो। और तभी गोकू अपनी एनर्जी से विगोरस पर वार कर देता है,
मगर उसी वक्त विगोरस अपनी टेक्निक से गोकू की एनर्जी को होल्ड कर लेता है और कहता है, अब तुम्हारा क्या कहना है गोकू? गोकू बोलता है, तुम इसका क्या करने वाले हो विगोरस? विगोरस कहता है, मैं तुम्हारी इसी एनर्जी से तुम्हारे पूरे डायमेंशन को खत्म कर दूंगा। और तभी विगोरस उस एनर्जी को गोकू के वर्ल्ड की तरफ छोड़ देता है। अब सीन जाता है क्रिएचर पर और वो नथिंग और मॉडरेटर पर अपनी एनर्जी से हमला कर रहा होता है। नथिंग कहता है, ये गार्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मॉडरेटर कुछ करो। मॉडरेटर कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर ये हार नहीं मान रहा है। और अब वो क्रिएचर मॉडरेटर पर काफी तेजी से हमला करने लगता है जिससे मॉडरेटर काफी जख्मी होने लगता है। नथिंग कहता है, क्या तुम ठीक हो? मॉडरेटर कहता है, हाँ मगर मेरी पावर अब ज्यादा नहीं बची है, मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। नथिंग कहता है, तुम अपने आप को हील करो, मैं इसे तब तक के लिए रोकता हूँ। मॉडरेटर कहता है, ठीक है। क्रिएचर कहता है, तुम दोनों तो मुझे रोक नहीं पाए तो अब तुम अकेले मुझे कैसे रोकोगे? नथिंग कहता है, क्रिएचर लगता है कि तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब नथिंग अपनी स्पेशल पावर का यूज करता है जिससे क्रिएचर को दर्द होने लगता है और वो बोलता है, तुम ये कैसी पावर का यूज कर रहे हो? नथिंग कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम ही यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? और तभी नथिंग अपनी पावर से क्रिएचर को कैद कर लेता है और सब कुछ शांत हो जाता है। मॉडरेटर पूछता है, तुमने ये क्या किया? नथिंग कहता है, अब कुछ देर के लिए शांत रहेगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिंस पर और वो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये क्या अचानक से खतरनाक एनर्जी यहाँ पर कैसे आ रही है? ये नहीं, ये एनर्जी तो भयंकर लग रही है। जिस एनर्जी को सेंस करके ही इतना डर लग रहा है, तो वो एनर्जी जब यहाँ आएगी तब क्या होगा? और अब सीन जाता है जैनो पर और वो अपने गार्ड से कहते हैं, गार्ड क्या यहाँ पर कोई तबाही होने वाली है? मुझे यहाँ पर बहुत ही ताकतवर एनर्जी सेंस हो रही है। गार्ड्स कहते हैं, जैनोसामा हमें भी इस एनर्जी की प्रेजेंस सेंस हो रही है, लगता है कि यहाँ पर भयंकर डिस्ट्रक्शन होने वाला है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, ये तुमने क्या किया विगोरस? तुमने मेरी एनर्जी को मेरे वर्ल्ड में क्यों फेंक दिया? विगोरस कहता है, देखा जब बच्चों के हाथ में पावर आती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। आज तुम्हारी एनर्जी से तुम्हारे लोग मरेंगे और तुम यहाँ से उनकी तबाही देखते रहोगे। गोकू कहता है, तुमने ये सही नहीं किया विगोरस, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। विगोरस बोलता है, पहले अपने लोगों को तो बचा लो। गोकू अब वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, ये अचानक से इतनी खतरनाक एनर्जी कैसे आ सकती है? यहाँ क्या होने वाला है, ये मुझे देखना होगा। अब वेजिटा वहां से चला जाता है और सीधा ग्रैंड प्रिस्ट के पास आ जाता है और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर यहाँ पर क्या चल रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा मैं नहीं जानता कि यहाँ पर अब क्या होगा, मगर जो भी होगा बड़ा ही भयंकर होगा। तभी वेजिटा कहता है, लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर इस एनर्जी को रोकने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, इसे मैं या तुम में से कोई भी नहीं रोक सकता है वेजिटा, हर चीज एक दिन खत्म होती है, ये समझ लो कि ये हम सभी के जीवन का अंत है। वेजिटा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमें कोशिश करनी चाहिए ग्रैंड मिनिस्टर। तभी विश कहता है, वेजिटा गोकू यहाँ आने वाला था, तुमने कहा था, तो अब तक वो आया क्यों नहीं? वेजिटा बोलता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि कैकरोट कहाँ पर चला गया, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। और इतने में गोकू वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, गोकू तुम आ गए। वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम अभी तक कहाँ पर थे और ये एनर्जी कैसी है? गोकू कहता है, वेजिटा अभी बताने का ज्यादा समय नहीं है और ये एनर्जी मेरी ही है, इसलिए मैं तुम्हें सब बाद में समझाऊंगा। इसके बाद गोकू पूरे मल्टीवर्स में एक शील्ड बना लेता है
और वो वेजिटा से कहता है, कोई भी इस चील से बाहर नहीं जाएगा, मैं जेनोसामा के पास जाकर आ रहा हूँ। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैकरोट कर क्या रहा है। विश कहता है, लगता है कि वो हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मुश्किल चाहे कितनी भी क्यों ना हो, मगर गोकू अब यहाँ आ गया है तो तुम लोग टेंशन मत लो। इसके बाद गोकू जैनो के पैलेस में जल्दी से शील्ड को लगा देता है और अब वो एनर्जी काफी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ रही होती है। गोकू कहता है, मुझे अचानक से घबराहट क्यों हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये शील्ड इन लोगों को नहीं बचा पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं विगोरस को जो कि काफी खुश हो रहा होता है और वो कहता है, अब होगी तुम्हारी बर्बादी बच्चे। और फिर सीन जाता है वेजिटा पर और वो नथिंग से कांटेक्ट करता है और कहता है, नथिंग क्या तुम्हें मेरी ये एनर्जी सेंस हो रही है? नथिंग कहता है, हाँ वेजिटा, ये सब पक्का उस विगोरस का ही काम है, उसने हमें मारने के लिए भी क्रिएचर को भेजा। वेजिटा पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो? नथिंग कहता है, हम ठीक हैं वेजिटा, लेकिन हम कब तक सही रहेंगे ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वेजिटा बोलता है, तुम्हें और मॉडरेटर को यहाँ आना होगा, हम सभी को ही इस एनर्जी से लड़ना पड़ेगा। नथिंग कहता है, हम वहाँ आने की कोशिश जरूर करेंगे मगर पक्का पता नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इस दवाई के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो बड़ी टेंशन में नजर आता है कि तभी वहाँ पर नथिंग और मॉडरेटर आ जाते हैं। नथिंग बोलता है, वेजिटा सिचुएशन क्या है? वेजिटा बोलता है, नहीं अभी तक उस एनर्जी का पता नहीं कि वो कितनी दूर है, मगर उसकी प्रेजेंस बड़ी ही भयानक है। मॉडरेटर कहता है, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। वेजिटा कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? नथिंग कहता है, हमें इस एनर्जी को रोकने की कोशिश करनी होगी और ये काम मॉडरेटर तुम ही कर सकते हो। मॉडरेटर कहता है, नथिंग मगर मैं कैसे? नथिंग बोलता है, तुम ही हो वो जो सबकी पावर को एक करते हो और हम सभी तुम्हें अपनी एनर्जी देंगे और तुम उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करोगे। वेजिटा बोलता है, ठीक है मैं रेडी हूँ एनर्जी देने के लिए। नथिंग बोलता है, वेजिटा हमें और एनर्जी की जरूरत है। वेजिटा कहता है, अब मैं और एनर्जी कहाँ से लेकर आऊँ? तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और कहते हैं, वेजिटा तुम अभी इतने भी अकेले नहीं हुए हो। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मगर हमें और एनर्जी की जरूरत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने विश से कह दिया है वो लोग अपनी एनर्जी मुझे देंगे, तो चलो हमें काम को जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। नथिंग बोलता है, मॉडरेटर रेडी हो जाओ। मॉडरेटर कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ। और अब ग्रैंड प्रिस्ट और वेजिटा अपना हाथ नथिंग की तरफ बढ़ाते हैं और वो अपनी एनर्जी नथिंग को देने लगते हैं और नथिंग अपनी एनर्जी मॉडरेटर को देने लगता है। मॉडरेटर कहता है, मैं अब वार करने जा रहा हूँ। तभी मॉडरेटर अपनी पूरी ताकत से उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है मगर वो एनर्जी उतनी पावर से नहीं रुकती। मॉडरेटर कहता है, हमें और पावर की जरूरत होगी। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर हमें और पावर चाहिए। और तभी बाकी के सभी एंजल्स भी ग्रैंड प्रिस्ट को अपनी पावर देने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अब और भी ज्यादा एनर्जी नथिंग को देने लगता है। वेजिटा बोलता है, इतनी एनर्जी से तो काम हो जाना चाहिए नथिंग। और अब मॉडरेटर और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है मगर फिर भी वो एनर्जी नहीं रुकती। मॉडरेटर कहता है, हमें और भी पावर की जरूरत पड़ेगी। और अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ग्रुप भी वेजिटा को एनर्जी देने लगता है। अब वेजिटा ना चाहते हुए भी अपनी अल्ट्रा ईगो में चेंज हो जाता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। और अब उस एनर्जी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। मॉडरेटर कहता है, नथिंग एनर्जी की स्पीड कम हो रही है मगर उतनी नहीं। नथिंग वेजिटा से कहता है, वेजिटा और पावर लेकर आओ। वेजिटा नथिंग से कहता है, अब मैं और एनर्जी कहाँ से लेकर आऊँ?
अब सब तो दे दिए है। नथिंग कहता है, उस एनर्जी की स्पीड कम हो रही है, लेकिन अभी हमें और भी पावर की जरूरत है। और अब जैनो भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं, हम भी हैं भाई। और अब जैनो भी नथिंग को एनर्जी देने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ग्रैंड जैनो, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जैनो कहता है, चुप करो तुम, मुझे क्या आप तुम बताओगे कि मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ आऊँगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वजीटा, अपने दोस्तों को कह दो अब उस एनर्जी को रुकना ही होगा। और अब मॉडरेटर और भी ज्यादा एनर्जी के साथ उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, और तभी वो एनर्जी बॉल धीरे होने लगती है। मॉडरेटर कहता है, ये वर्क कर रहा है। अब नथिंग वजीटा की टीम से बोलता है, हे, ये काम कर रहा है, एनर्जी स्लो हो रही है, सभी अपना और भी जोर लगा दो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ उस एनर्जी के लिए चिंता कर रहा था, मगर मेरे 6 लोगों ने ही उसे स्लो कर दिया, अब मैं उसे आसानी से रोक सकता हूँ। तभी वहाँ पर विगोरस दिखाई देता है और वो कहता है, ये बॉल अब नहीं रुकेगी गोकू। अब विगोरस अपनी एनर्जी से उस एनर्जी की स्पीड को फिर से बढ़ा देता है। तभी मॉडरेटर कहता है, ओ नो, वो तो फिर से तेजी से यहाँ आ रही है। नथिंग कहता है, अपनी ओर जान लगा दो साथियों, इसे हमें हर हालत में रोकना ही होगा। गोकू कहता है, अरे यार, ये विगोरस ने तो नाक में दम कर रखा है। तभी वजीटा कहता है, अब लगता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। तभी वजीटा गोकू से टेलीपैथी में बात करता है और कहता है, कैकरोट, ये एनर्जी फिर से यहाँ तेजी से आ रही है। गोकू कहता है, मैं सब जानता हूँ वजीटा, ये सब विगोरस ही कर रहा है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, बस मल्टीवर्स के अंदर ही रहना, शील्ड से बाहर मत आना। इसके बाद सीन जाता है विगोरस पर और अब वो भी गोकू के मल्टीवर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। विगोरस कहता है, अब तुम किसे पहले रोकना पसंद करोगे, मुझे या फिर उस भयंकर एनर्जी को जो तुमने दुनिया को खत्म करने के लिए बनाई थी? मेरा मतलब, मुझे खत्म करने के लिए बनाई थी। गोकू कहता है, लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ, दोनों तरफ से मेरी दुनिया का अंत ही लिखा है, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद गोकू को उस गॉड की याद आने लगती है और तभी वो गॉड अचानक से गोकू के पास आ जाता है और कहता है, क्या बात है बच्चे, क्या हुआ? गोकू पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं आपको याद कर रहा हूँ? वो गॉड कहता है, गॉड हूँ, कुछ तो काम करूँगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? गोकू कहता है, ये देख रहे हो आप, एक तरफ से वो एनर्जी और दूसरी तरफ वो विगोरस। गॉड बोलता है, मामला मौत का है ना? गोकू कहता है, हाँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो गॉड कहता है, बस तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम हार बड़ी जल्दी जाते हो, मैं चाहूँ तो इस एनर्जी को भी और उस विगोरस को भी एक साथ रोक सकता हूँ। गोकू कहता है, अच्छा तो सोच क्या रहे हो, इन दोनों को रोक दीजिए। गॉड कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या इसी दिन के लिए तुम हाई टेबल के वर्ल्ड से यहाँ आए थे? गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। गॉड कहता है, जब तुमने मुझसे अपनी पावर का फुल कंट्रोल ले लिया है तो अब तुम डर किस बात से रहे हो? गोकू कहता है, हाँ, फुल कंट्रोल मेरे पास था, इसलिए मैंने उस एनर्जी को बनाया, मगर अब मैं क्या करूं, उसने मेरा ही दाव मुझ पर उल्टा दिया। गॉड कहता है, कोई कुछ करे, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम हो ट्रिप गोकू, तुम्हारे पास पावर का फुल कंट्रोल है, इसका मतलब कि ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी पावर कहाँ जाएगी और किसे लगेगी और वो कितनी तबाही करेगी या तबाही नहीं करेगी, ये भी तुम्हारे कंट्रोल में ही है। गोकू कहता है, क्या आप सच कह रहे हो, मतलब मैं इसे रोक सकता हूँ? गॉड कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि काम के वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है। गोकू पूछता है, काम के वक्त मैं कुछ समझा नहीं। गॉड कहता है, हाँ गोकू, हाई टेबल से उड़ रहा है,
कि तुम्हें इस विगोरस और उसके साथी को खत्म करना है। गोकू कहता है, क्या सच में? गोट कहता है, बात बाद में करेंगे और अब चलो अपना काम खत्म करो। इसके बाद हम देखते हैं विगोरस को और वो अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहा होता है। तभी गोकू स्माइल करता है और कहता है, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एनर्जी अभी इसी वक्त रुक जाए। और अब वो एनर्जी रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मॉडरेटर को और वो कहता है, एनर्जी देना बंद करो। नथिंग पूछता है, क्या बात है मॉडरेटर? मॉडरेटर कहता है, वो एनर्जी रुक गई है, किसी ने उसे रोक लिया। वजीटा कहता है, ये सब कैकरोट का ही काम होगा। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं विगोरस को जो कि अब गुस्से में होता है और वो कहता है, ये क्या, ये एनर्जी कैसे रुक गई? गोकू बोलता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। और अब वो एनर्जी विगोरस की तरफ आने लगती है। विगोरस कहता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, तुम शायद भूल गए हो कि मेरे पास अब अपनी पावर का पूरा कंट्रोल है, तो मेरी इच्छा के बिना मेरी एनर्जी कहीं नहीं जा सकती। विगोरस कहता है, गोकू वो एनर्जी मेरी तरफ आ रही है, उसे रोको प्लीज। गोकू कहता है, तुम्हें तो मैं वैसे भी मारने वाला था विगोरस। विगोरस पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू कहता है, हाँ तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे हाई टेबल ने भेजा है। विगोरस बोलता है, क्या तुम उनके साथ काम करते हो? गोकू कहता है, हाँ और ये सब तुम्हारी ही बदौलत हुआ है। विगोरस हंस के कहता है, तब तो मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और इतने में क्रिएचर वहां आ जाता है और कहता है, मैं आ गया हूँ विगोरस। और जैसे ही वो क्रिएचर गोकू पर हमला करने जाता है, गोकू उसे एक ही हमले में खत्म कर देता है। गोकू कहता है, ये तो गया, अब तुम्हारा क्या होगा? यह गोकू से और वो बोलता है, तुम्हारा गार्ड तो गया, अब तुम बचे हो। विगोरस कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुम अब कितने ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हो और अब तुम मुझे मार दोगे, मगर मुझे एक बात जाननी है कि तुम हाई टेबल तक कैसे पहुंच गए? गोकू कहता है, क्या कहा तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ही ने तो मुझे मार कर उनके पास भेज दिया था। विगोरस कहता है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। तभी वहां पर वो गॉड आ जाता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है, क्या हुआ अब, क्या किया मैंने? गॉड बोलता है, तुमने इसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो? विगोरस बोलता है, हाई टेबल का मैनेजर खुद यहाँ पर आया है। गॉड बोलता है, तुम्हें ऑर्डर मिला है गोकू, चलो अपना काम खत्म करो। गोकू कहता है, ओके मैं करता हूँ। तभी विगोरस बोलता है, ये तुम्हें बस फंसा रहा है गोकू, और कुछ नहीं, ये लोग तुमसे वो काम करवाना चाहते हैं जिन्हें करके ये अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते हैं। गॉड कहता है, देख क्या रहे हो, मारो इसे, भूल गए कि क्या डील हुई थी? विगोरस बोलता है, ये लोग तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हैं, इन्हें वो शख्स पसंद नहीं जो इनके मुताबिक ना चलता हो, और उनमें से एक मैं भी हूँ। गॉड कहता है, वो झूठ बोल रहा है, उसकी मत सुनो और खत्म करो उसे। विगोरस कहता है, आज तुम मुझे खत्म कर रहे हो, कल ये लोग किसी और को वो ऑर्डर देंगे और वो तुम्हें खत्म कर रहा होगा। तभी वो गॉड कहता है, अब भी अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें वापिस वहीं पर कैद कर दूंगा। और तभी गोकू अपनी एनर्जी का यूज करता है और वो उसे मार देता है। गोट कहता है, बहुत बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो गोट वहां से चला जाता है। गोकू अब सोच में पड़ जाता है और वो विगोरस की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे अब गोकू और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अब नथिंग और मॉडरेटर जैसे लोग भी गोकू के सामने कुछ भी नहीं है। मॉडरेटर बोलता है,
उसने कर दिया, उसने विगोरस को मार डाला। नथिंग अब खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में उसने उसे मार दिया? मॉडरेटर कहता है, हाँ उसने उसे मार दिया। वजीटा कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मॉडरेटर कैकरोट इस वक्त कहाँ पर है? मॉडरेटर कहता है, पता नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनोसामा आपने हमारी मदद करी उसके लिए शुक्रिया, मगर आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। पैलेस में इस वक्त वहाँ कोई नहीं है। जैनो कहता है, ठीक है डाई, मैं चलता हूँ। गोकू आए तो मुझसे मिलने के लिए उसे जरूर भेज देना। और अब जैनो वहाँ से गार्ड्स के साथ चले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मेरे बच्चों आप सभी ने अपना काम बखूबी निभाया और मैं आज तुम पर गर्व करता हूँ कि तुम सभी मेरे बच्चे हो। अब यहाँ पर सब ठीक हो चुका है, इसलिए अब तुम सभी अपने काम पर लग सकते हो। इसके बाद वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर डिस्ट्रॉयर की टीम ने भी हमारी कितनी मदद करी है, इसलिए उनका भी शुक्रिया हमें करना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ पर मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे। वजीटा कहता है, तो ठीक है, मेरे जितने भी गॉड साथियों ने यहाँ पर अपनी एनर्जी से मेरी मदद की उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बिना हम उस एनर्जी को स्लो नहीं कर पाते, इसलिए आपका सच्चे दिल से शुक्रिया। अब आप लोग भी अपना काम कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट वजीटा से कहते हैं, वजीटा मैं भी चलता हूँ, कल मुझे और भी बहुत काम करने हैं। वजीटा कहता है, जी आप भी जाइए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी वहां से चले जाते हैं। नथिंग मॉडरेटर से कहता है, अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना? मॉडरेटर कहता है, हाँ मेरा बदला पूरा हुआ, मगर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि विगोरस मारा गया। इसके बाद गोकू वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, यकीन कर लो कि वो अब यहाँ पर नहीं है, उसकी मौत मेरे हाथों से हुई है और अब तुम्हारी बारी है मरने की। तभी वजीटा कहता है, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया कैकरोट? तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? मॉडरेटर ने तो हमारी मदद करी है। गोकू स्माइल करके कहता है, ओ तो पहले बताना चाहिए था ना कि मॉडरेटर हमारी साइड है, क्योंकि मैं तो बाहर था ना, मुझे कैसे पता होगा कि तुमने टीम अप कर लिया है। वजीटा कहता है, ठीक है अब बताओ क्या तुमने सच में विगोरस को मार दिया? गोकू कहता है, क्यों तुम्हें मुझ पर शक है क्या? वजीटा कहता है, खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है, तो पक्का ही तुमने उसे मार दिया होगा। नथिंग कहता है, वजीटा मेरा काम अब खत्म हुआ, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। वजीटा कहता है, मगर नथिंग थोड़ी देर तो हमारी दुनिया में रुको, तुम रोज रोज तो यहाँ नहीं आते हो। नथिंग कहता है, मेरा यहाँ रहना सही नहीं है वजीटा, हम सभी को अपने अपने डायमेंशन दिए गए हैं तो हमें वहीं रहना होगा। मॉडरेटर कहता है, नथिंग ठीक कह रहा है, हम सभी को अपने डायमेंशन में ही रहना पड़ता है, हम अगर ज्यादा दिनों के लिए बाहर रहे तो ये भी रूल्स के खिलाफ ही होगा। गोकू पूछता है, ये कौन से रूल्स हैं? तभी नथिंग गोकू को समझाता है, हम जैसे बींग को डायमेंशन इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उन्हीं में रह सकें और दूसरों को परेशान ना करें, और जितनी ज्यादा पावर्स हमारे पास होगी या हम जितने ताकतवर होंगे हमारा बाहर आने का समय उतना ही कम होगा। गोकू पूछता है, और अगर तुम ये रूल्स ब्रेक कर देते हो तो तब क्या होगा? नथिंग कहता है, तब हमें मार दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास ये भी छूट है कि हम अपने डायमेंशन में रहकर भी बाहर किसी की हेल्प कर सकते हैं या फिर किसी को खत्म कर सकते हैं। वजीटा कहता है, ओ इसका मतलब शुरुआत में तुम सब चीज अपने डायमेंशन में ही कर रहे थे। नथिंग कहता है, सही पहचाना तुमने। मॉडरेटर कहता है, तो ठीक है हम लोग अब चलते हैं। और अब नथिंग और मॉडरेटर वहां से चले जाते हैं। वजीटा कहता है, कैकरोट क्या तुम ठीक हो? गोकू पूछता है, क्यों क्या हुआ वजीटा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वजीटा बोलता है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें कितने दिन हो गए घर ना गए हुए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेगी। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे गोकू अब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और कहता है, अब थोड़ा आराम मिला मुझे, वरना मैं तो घूम घूम कर परेशान ही हो गया था।
और इतने में गोकू के सामने गैस आ जाता है, जिसे देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, गैस यहाँ पर कैसे? गैस कहता है, कैसे हो गोकू? गोकू अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, तुम वापिस कैसे आए गैस? गैस कहता है, हम सभी वापिस रिवाइव हुए हैं गोकू। गोकू बोलता है, रिवाइव हुए हो और हम सभी से तुम्हारा क्या मतलब है? और कौन रिवाइव हुआ है तुम्हारे साथ? गैस कहता है, मैं फ्रीजा मोर फू और सेल भी हुआ था, मगर सेल को गोहान ने मार दिया। गोकू कहता है, और अब मैं तुम लोगों को मार दूंगा। गैस कहता है, रुक जाओ गोकू, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। गोकू पूछता है, अच्छा तुम लड़ने नहीं आए हो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। गैस कहता है, ये सच है, मैं सच में लड़ने नहीं आया हूँ, और वेजिटा हम सबके बारे में भी जानता है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सच में वो तुम लोगों के बारे में जानता है? गैस बोलता है, हम सभी ने सोचा है कि हम आखिर कब तक लड़ते रहेंगे, क्यों ना हम सब एक हो जाएं और आपस में दोस्ती कर लें। गोकू कहता है, दोस्ती और तुम लोगों से? हरगिज नहीं, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग पीठ में चुरा घोपने वाली पार्टी हो, इसलिए तुम सभी को वापस से मरना होगा। गैस कहता है, नहीं रुको गोकू, मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि हमने जो काम किए हैं उसके लिए तुम हमें कभी भी माफ नहीं करोगे, और इसी वजह से सभी तुमसे डरे हुए हैं। उन्हें पता था कि तुम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा था। गोकू कहता है, और मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं, जरा बताओगे? गैस कहता है, मैं बस तुमसे यहाँ पर एक चांस मांगने आया हूँ। गोकू कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे यहाँ पर बात करी, लेकिन मैं बाकियों की कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे उन पर 1% भी विश्वास नहीं है। गैस कहता है, वो भी आ सकते थे, मगर उन्हें ये लगता है कि तुम उन्हें मार दोगे, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। गोकू कहता है, अच्छा तो तुम अब उन्हें ये यकीन दिलाओ कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा और तुम उन्हें यहाँ पर भेज दो। गैस कहता है, ऐसी बात है तो मैं उन्हें तुम्हारे पास जरूर भेजूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अब गैस वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, ले आओ गैस उन सभी को, फिर मैं सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो विश से कहता है, विश जाओ और वेजिटा को यहाँ ले आओ। विश कहता है, मैं समझ गया फादर, आप क्या करने वाले हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो देरी क्यों कर रहे हो? गोकू से और वो वेजिटा से मिलता है। गोकू पूछता है, वेजिटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वेजिटा बोलता है, क्या हुआ? गोकू कहता है, गैस मुझे मिला था और उससे मुझे पता चला कि तुम उनके बारे में सब जानते थे, तो तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। वेजिटा कहता है, हाँ नहीं समझा, क्योंकि उस वक्त तुम यहाँ पर नहीं थे, और जब तुम यहाँ पर आए तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, और ये तुम जानते ही हो। गोकू कहता है, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है वेजिटा। वेजिटा गुस्से में कहता है, मैंने कौन सा प्रॉमिस तोड़ा? गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अर्थ की रक्षा करोगे, तो ये लोग अब जिंदा हो गए, और तुम्हें उनके बारे में पता था, तो वो अभी तक जिंदा कैसे हैं वेजिटा? वेजिटा बोलता है, हाँ तो उसमें क्या हुआ? और वो जब अर्थ पर हमला करने आए थे, तब मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अर्थ को बचाया था, समझे तुम? इसलिए मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। गोकू कहता है, तो फिर वो सब जिंदा कैसे हैं? वेजिटा कहता है, मैंने उनसे कहा था कि तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने उनकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ पर सौंप दी है। गोकू कहता है, वो आया था मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने, मगर मैं अब उनकी चाल में नहीं आऊंगा, कुछ देर में वो यहाँ आएगा अपने साथियों को लेकर, और तब मैं उन सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा। वेजिटा कहता है, मेरी मानो तो उन्हें एक चांस जरूर देना। गोकू सीरियस होकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वेजिटा तुम्हें तो इन लोगों पर कभी विश्वास ही नहीं था, तो आज तुम इनके लिए चांस मांग रहे हो? वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोड, क्योंकि मैंने पहली बार कुछ अलग करने की सोची है।
गोकू कहता है, ठीक है तो अब मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने कोई भी चालाकी दिखाई तो तुम भी मेरा साथ दोगे उन्हें मारने में। वजीटा कहता है, ठीक है। इसके बाद सीन डाबुरा पर जाता है और वो बोलता है, तो मिल आए तुम अपने दोस्त से। तभी मोरो कहता है, गैस बताओ गोकू ने क्या कहा। गैस कहता है, मैं गोकू से बात करके आया हूँ, वो हमारी सारी बात मानने के लिए रेडी है। फ्रीजा स्माइल करके बोलता है, ये क्या सच है गैस? गैस कहता है, हाँ मगर उसकी एक शर्त है। फू पूछता है, कैसी शर्त गैस? गैस बताता है, गोकू ने कहा है कि वो हम सभी को एक चांस अभी देगा जब हम सभी मिलकर उससे सुधरने की बात करेंगे, नहीं तो वो हम सभी को मार देगा। डाबुरा कहता है, ये बस उसकी चाल है, मैं सब जानता हूँ कि वो हम सभी को मारने की तैयारी में है और ये सब बात तुम भी जान लो। गैस कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें जाना ही होगा। तभी डाबुरा बोलता है, नहीं तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, ये मेरा ऑर्डर है। गैस कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो डाबुरा, अभी तो तुम हमें गोकू से बात करने के लिए कह रहे थे और अब तुम ही हमें रोक रहे हो। डाबुरा बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ हम गोकू की गुलामी करें, समझे तुम, इसलिए अब कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। गैस कहता है, अगर हम नहीं गए तो हम सभी मारे जाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? डाबुरा कहता है, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। अब मोरो सीरियस होकर कहता है, अच्छा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी सुनेंगे? डाबुरा इस पर बोलता है, मोरो ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने ही तुम्हें जिंदा किया है? मोरो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने हमें नया जीवन दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी मौत का कारण बनो। डाबुरा कहता है, हाँ मैं बनूंगा, अगर तुम लोग उस गोकू के पास गए तो मैं तुम्हारी मौत लेकर आऊंगा। फ्रीजा आप धीरे से कहता है, मैं तो कहता हूँ हम इसे ही मार कर चलते हैं। गैस कहता है, चुप करो तुम, कि तुम भूल गए कि हमें यही धोखा छोड़ना है, हम इसी के लिए तो गोकू के पास जा रहे हैं। डाबुरा कहता है, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ मत जाओ, वो तुम लोगों को मार देगा। फू कहता है, मोरो ये भी तो हो सकता है कि डाबुरा सही कह रहा हो, क्योंकि गोकू तो हमारा दुश्मन ही है। गैस कहता है, यही तो तुम लोगों की कमी है, तुम लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि तुम लोगों का खुद पर ही भरोसा नहीं है, और फू तो एक डीमन ही है, इसलिए वो तो कभी नहीं बदलेगा, मगर हमें बदलना ही होगा। मोरो कहता है, गैस अगर गोकू हमें मारता है तो क्या तुम हमें बचाओगे? क्या तुम इसकी गारंटी देते हो कि वो हमें नहीं मारेगा? अब फ्रीजा सीरियस होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रहकर जिंदा बच सकते हो, बोलो। इस पर डाबुरा कहता है, मौत तो आनी है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जान खुद देने चले जाएं। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वजीटा पर। वजीटा कहता है, वो लोग अभी तक नहीं आए। गोकू कहता है, डर के मारे भाग गए होंगे, मगर कोई बात नहीं, मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा। और तभी गैस वहां आ जाता है और बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। और अब हम देखते हैं कि गैस के साथ फ्रीजा भी आया हुआ है। गोकू उन्हें देखकर कहता है, वजीटा यहाँ पर तो बस फ्रीजा और गैस ही आए हैं, बाकी के लोग कहाँ हैं? अब वजीटा गैस से कहता है, गैस बाकी के लोग कहाँ पर है, तुमने तो कहा था कि तुम बाकियों को भी लेकर आओगे। फ्रीजा कहता है, वो लोग नहीं आए वजीटा, उन्हें तुम पर विश्वास नहीं है, उन्हें ये लगता है कि गोकू उन्हें मार देगा। वजीटा अब गुस्से में कहता है, ये तुम लोग कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो लोग वहाँ पर रहकर जिंदा बच जाएंगे? कैस कहता है, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की थी मगर उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वो लोग उस डाबुरा पर विश्वास करते हैं। गोकू पूछता है, और तुम लोग किस पर विश्वास करते हो? फ्रीजा कहता है, हम तुम पर विश्वास करते हैं, इसलिए तो यहाँ पर आए हैं। गोकू कहता है,
मगर बात तो ये हुई थी कि अपनी जिंदगी पाने के लिए तुम सभी को यहाँ आना होगा, इसलिए अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फ्रीजा ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है, क्या क्या तुम हमें मारोगे? गोकू कहता है, हाँ फ्रीजा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी मेरी अच्छाई का फायदा उठाए। मैं किसी को भी चांस नहीं देना चाहता हूँ। गैस बोलता है, लेकिन अगर वो सभी नहीं आए तो इसमें हमारी क्या गलती है गोकू? तुम हमें क्यों मार रहे हो? इस पर गोकू कहता है, क्योंकि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और कहता है, तुम लोग कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहते हो, इसलिए तुम्हारी जगह हमेशा नर्क में ही होती है, तो अब मरो। लेकिन तभी वेजिटा सामने आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो कैकरोट? गोकू कहता है, वेजिटा तुम शायद भूल गए कि हमारे बीच क्या बात हुई थी। वेजिटा कहता है, मुझे सब याद है, लेकिन आज तुम एक गलती कर रहे हो। गोकू पूछता है, कैसी गलती वेजिटा? वेजिटा कहता है, जो लोग सुधरना चाहते हैं तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? ये लोग तो यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुम इनकी मदद करोगे, मगर तुम तो इनका भरोसा तोड़ रहे हो। फ्रीजा कहता है, गोकू मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर हमारे लिए गुस्सा है, क्योंकि हमें जब पावर मिलती तो उसे हम तुम्हारे खिलाफ यूज करने में लगा देते हैं, और इसलिए तुम हम पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी तुम हमें मारना चाहते हो तो ठीक है, हम मरने के लिए रेडी हैं। फ्रीजा की इस बात को सुनकर गोकू नॉर्मल हो जाता है और कहता है, तुम लोगों की ईमानदारी से मैं खुश हुआ, और अब मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, और अब तुम दोनों यहाँ पर आराम से रह सकते हो, मगर किसी को नुकसान मत पहुँचाना। ये सुनकर फ्रीजा हैप्पी हो जाता है, मगर गैस कहता है, मैं अपने प्लैनेट में जाकर ही रहूंगा क्योंकि मुझे वहाँ पर शांति मिलती है। गोकू कहता है, हाँ मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है। गैस पूछता है, कैसा काम? कुछ देर बाद हम देखते हैं गैस को, और वो अपने लोगों के पास आ जाता है। डाबूरा कहता है, आ गए उनसे मिलकर, क्या हुआ? उसने तुम्हें माफ नहीं किया या तुम लोगों ने उसके पांव पकड़ लिए और उसकी गुलामी के लिए मान गए? तभी गैस कहता है, चुप करो तुम, तुम्हें गोकू के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने हमें माफ कर दिया है, और एक बार उसने हमें अपना गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें कहीं भी घूमने की इजाजत दी है, समझे तुम? डाबूरा कहता है, बहुत तारीफ कर रहे हो तुम उसकी। गैस कहता है, हाँ क्योंकि अब वो हमारा दोस्त है, लेकिन तुम लोग उसे क्या समझते हो ये मुझे नहीं पता। फू बोलता है, हम अब भी उसे अपना दुश्मन मानते हैं। तभी वहां गोकू आ जाता है और कहता है, ऐसी बात है क्या? शुरुआत होती है गोकू से, और वो डाबूरा के सामने आ जाता है। गोकू को देखकर मोरू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गोकू तुम यहाँ पर? गोकू बोलता है, क्यों क्या हुआ? तुम्हारे गले का पानी क्यों सूख गया है? मोरू कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? गोकू कहता है, अच्छा क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? फू कहता है, अरे गोकू तुम तो खामखा गरम हो रहे हो, जरा शांत रहो भाई। तभी गोकू गुस्से में कहता है, तुम चुप रहो और तुम सभी आज यहीं पर खत्म होगे, और ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी। डाबूरा कहता है, तुम्हारे पास ताकत है मैं जानता हूँ, मगर तुम हमें किस लिए मारना चाहते हो? हमने क्या किया है? गोकू बोलता है, तुमने अर्थ में तबाही मचाई है, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, तुमने मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की, और इसलिए मैं तुम सभी को आज खत्म करूंगा। तभी मोरू कहता है, अरे नहीं गोकू हमें माफ कर दो। गोकू कहता है, अब क्या फायदा माफी मांगने का? तुम लोगों को गैस ने बुलाया मगर तुम आए नहीं। मोरू कहता है, अरे नहीं हम तो आ ही रहे थे, मगर इस डाबूरा ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए हम नहीं आए। तभी फ्रीजा कहता है, झूठ बोल रहा है गोकू, ये इन सभी को तुम्हारी बात मंजूर नहीं थी, इसलिए ये लोग आए नहीं। तभी डाबूरा कहता है, रुक जाओ मैं अभी अपने दोस्त को बुलाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये हमें कैसे मारेगा। फू बोलता है,
ऐसा कौन सा दोस्त है जो गोकू को हरा सकता है? डाबुरा कहता है, तुम्हें पता है वो एक बार गोकू को मार चुका है और वो इस बार भी इसे मारेगा। मोरो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कौन है जो गोकू को मार सकता है? डाबुरा कहता है, देखना चाहते हो तुम? चलो ठीक है, विगोरस मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत ही जरूरत है, आओ यहाँ पर। तभी गोकू थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ओ तो विगोरस तुम्हारा दोस्त था। तभी गोकू हंसने लगता है, चलो मैं भी देखता हूँ कि अब यहाँ कौन सा विगोरस आने वाला है। डाबुरा पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? गोकू कहता है, क्योंकि एक विगोरस को तो मैं बहुत पहले ही मार चुका हूँ, अब दूसरा कौन सा आने वाला है ये मैं देखना चाहता हूँ। डाबुरा बोलता है, तुम कितने कमीने हो गोकू। और इतने में गोकू एक हमले में डाबुरा को वहीं पर मार देता है। एक तो गलती, ऊपर से गलत शब्द। फू कहता है, मैं तो यहाँ से चला, और फू वहां से भाग जाता है। अब ये देखकर मोरो शॉक्ड हो जाता है। गोकू स्माइल करता है और कहता है, वो तो भाग गया, अब तुम बच गए। मोरो कहता है, हाँ मगर मैं भागा नहीं, मैंने कुछ जब गलत ही नहीं किया तो मैं भागू ही क्यों। गोकू कहता है, हाँ थोड़े थक भी तो गए हो तुम। मोरो कहता है, हाँ मगर मैं भागा नहीं। गोकू कहता है, ठीक है तुम तीन अब किसी के गुलाम नहीं हो, आजाद हो तुम लोग, मगर किसी की आजादी मत छीनना, वरना मैं तो यहाँ पर हूँ ही, है ना। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जहाँ पर वजीटा आया हुआ है। वजीटा कहता है, क्यों बुलाया है आपने मुझे ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, एक बहुत ही जरूरी काम है तुमसे। वजीटा कहता है, आप शायद भूल रहे हो कि अब मेरा किसी गॉड या किसी एंजल से कोई रिश्ता नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ऐसी बात है तो ठीक है, वापिस से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। वजीटा हंसता है और कहता है, कैसी ड्यूटी, मैं ये ड्यूटी अब नहीं करने वाला हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वजीटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो पुरानी बातों को भूल जाओ और हमारे पास वापिस से आ जाओ। वजीटा कहता है, नहीं आपको अगर मुझसे और कोई काम है तो बताइए। ग्रैंड प्रिस्ट वजीटा को समझाते हैं और कहते हैं, देखो वजीटा, बिना डिस्ट्रॉयर के यूनिवर्स 7 बेकार है और विश भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। वजीटा कहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही ने तो कहा था कि बिना डिस्ट्रॉयर के यूनिवर्स 7 को रहना होगा, तो अब क्यों आप मुझे वापस लाना चाहते हो। तभी विश वहाँ आता है और कहता है, लॉर्ड वजीटा आप ये क्या कह रहे हो, अब तो सब ठीक हो गया है, आपको फादर की बात मान लेनी चाहिए। वजीटा इस पर कहता है, मैं ये सब नहीं मानता, मैं उस दिन की बेइज्जती नहीं भूला हूँ। इतने में गोकू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, अच्छा और इसलिए तुम भी ग्रैंड मिनिस्टर की इंसल्ट कर रहे हो। वजीटा कहता है, कैकरोड तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, इन्होंने मुझे डिस्ट्रॉयर की पोजीशन से निकाल दिया। इस पर गोकू कहता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मगर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो तुम्हें नहीं मालूम। वजीटा पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पर गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम्हें इसलिए निकाला था ताकि तुम मुझे जल्दी से जल्दी ढूंढ सको, उन्हें बस तुम्हारा फोकस मुझ पर चाहिए था। विश कहता है, यही सच है लॉर्ड वजीटा, फादर ने आपको इसी रीजन से बाहर किया था और सब ठीक होने पर तुम्हें वापस लाने का भी फैसला लिया है। वजीटा ये सुनकर शॉक हो जाता है। गोकू अब स्माइल करके समझाता है और कहता है, वजीटा यहाँ पर कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं चाहता है और कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, इसलिए मान जाओ और यूनिवर्स 7 को फिर से संभाल लो। वजीटा अब स्माइल करके कहता है, अब कैकरोड ने कह दिया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया वजीटा, अब मैं यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर की पोजीशन तुम्हें सौंपता हूँ। अब विश की भी पावर वापस से एक्टिव हो जाती है। अब हम देखते हैं सुप्रीम गाय को, और वो किंग गाय से कहते हैं, लॉर्ड वजीटा वापस से अपनी पोजीशन में आ गए। किंग गाय ये सुनकर स्माइल करके कहता है,
ये तो बड़ी ही खुशी की बात है सुप्रीम काई। अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और अब उम्मीद है कि सब ठीक रहे। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो अर्थ पर आ रखा होता है, मगर उसे देखकर अर्थलिंग घबरा जाती है और वो डर के मारे भागने लगते हैं। फ्रीजा कहता है, अरे तुम सब भागो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। तभी क्रिलिन वहां आता है और वो भी घबरा जाता है और कहता है, फ्रीजा तुम वापस कैसे और तुम यहाँ क्या लेने आए हो। फ्रीजा क्रिलिन को देखकर हंसता है और कहता है, अरे क्रिलिन मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। क्रिलिन कहता है, फ्रीजा तुम्हें क्या चाहिए। फ्रीजा बोलता है, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों से दोस्ती करने के लिए आया हूँ। अब क्रिलिन मन में सोचता है, नहीं ये फ्रीजा हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता है, ये पक्का इसका कोई प्लान है। इससे पहले कि ये हम सभी को मारना शुरू कर दे, मुझे गोहान को सब बताना होगा। फ्रीजा कहता है, तुम क्या सोच रहे हो क्रिलिन। और तभी क्रिलिन वहां से भाग जाता है। फ्रीजा कहता है, अरे अब इसे क्या हुआ, शायद ये मुझसे डर गया है, पर मुझे इसे सच्चाई बतानी होगी। और अब फ्रीजा क्रिलिन का पीछा करने लगता है। क्रिलिन कहता है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, लगता है कि सबसे पहले ये मुझे ही मारेगा। फ्रीजा बोलता है, ये क्रिलिन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मुझे इसे और तेजी से पकड़ना होगा। अब फ्रीजा बहुत ही तेजी से क्रिलिन का पीछा करने लगता है कि तभी क्रिलिन को गोहान दिख जाता है और वो गोहान के पास आकर कहता है, गोहान मुझे बचाओ। गोहान फ्रीजा को देख लेता है और कहता है, लगता है कि ये बाज नहीं आने वाला है। तभी गोहान अपने एनर्जी से फ्रीजा पर हमला कर देता है, जिससे फ्रीजा जख्मी हो जाता है। गोहान बोलता है, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे तुम। फ्रीजा कहता है, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। गोहान कहता है, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की। फ्रीजा कहता है, अरे नहीं मैं इसे मारने नहीं आया हूँ। और इतना कहते ही गोहान एक पंच फ्रीजा के मार देता है। फ्रीजा कहता है, गोहान ये तुम सही नहीं कर रहे हो, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। गोहान कहता है, तुम जैसों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी गोहान एक और पंच फ्रीजा के मारने के लिए जाता है, मगर इस बार फ्रीजा गोहान के पंच को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, सहने की भी एक लिमिट होती है गोहान। और तभी फ्रीजा गोहान को एक पंच मार देता है, जिससे वो बहुत ही दूर चले जाता है। फ्रीजा कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी गोकू वहाँ पर आ जाता है और कहता है, रुक जाओ फ्रीजा, ये तुम क्या कर रहे हो। फ्रीजा कहता है, गोकू इस बार गलती मेरी नहीं है, इस बार गोहान ने मुझ पर हमला किया, मैं तो यहाँ पर दोस्ती करने आया था, मगर इस गोहान ने मेरा मूड ही चेंज कर दिया। गोकू कहता है, वो सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें इनसे दोस्ती क्यों करनी है। फ्रीजा कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी रेस में ही अब मैं बचा हूँ, तो सोचा कि तुम्हारे लोगों से दोस्ती कर लूं, ताकि तुम ड्रैगन बॉल से मेरी आर्मी को वापस ला दो और फिर मैं उन्हीं के साथ हमेशा के लिए रहूं। गोहान बोलता है, ओ तो तुम इसलिए यहाँ आए थे, मगर क्रिलिन तो बोला कि तुम उसे मारने आए हो। फ्रीजा कहता है, अब वो मुझसे डरता है तो इसमें मेरी क्या गलती है। गोकू कहता है, हमें माफ कर दो फ्रीजा, मैं बुलमा से बात करूंगा कि उसके पास ड्रैगन बॉल है या नहीं।